बॉस फोन ही नहीं उठा रहे, लगता है कहीं बिजी। अब क्या करें? अरे यार ये पानी ही नहीं पी रहे, अब क्या करें? इसे एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही शिफ्ट करते रहे तो हम मुसीबतों में पड़ जाएंगे। ये किडनैपिंग बहुत डेंजरस होती जा रही है। सही बोल रहा है तू, पहले ही इस औरत के चक्कर में हम बहुत परेशान हो चुके, अभी इसका अच्छा पैसा मिला तो ठीक है, वरना पुलिस पकड़ेगी हमें और हम जेल में चक्की पीसते रहेंगे। बस हो गया, अभी इसको और कहीं लेके नहीं जाएंगे, बल्कि मैं तो कहता हूँ इसे कहीं फेंक देते हैं और यहाँ से चुपचाप निकल लेते हैं, किसी को शक भी नहीं होगा। आज भी बाल बाल बच गया। वो औरत जो टकराई थी हमसे, अगर उसे पता चल जाता कि इस गोनी में क्या है तो हमारा खेल वहीं खत्म हो जाता। अरे तू छोड़ यार ये सब बातें, अभी बॉस के फोन आने का इंतजार करते, और वैसे भी एक बात तो तय है, इसके हमें दुगने पैसे मिलेंगे। चल अभी तू इसे बांध। ठीक है शंकर, बॉस जोर की भूख लगी है, जल्दी से खाने का इंतजाम कर। ओके बॉस, अभी ला। आपको जाना कहाँ है? यहाँ पर ना कोई बंगला है ना कोई घर। नहीं वो भैया, हम किसी के घर नहीं जा रहे हैं, हमें वो एक्चुअली यहाँ पे काम है। क्या काम? रुई दीदी वो देखो, साईं बाबा स्टिकर वाली वैन। नहीं रुको रुको, बस बस रुको। ये लीजिए। और ये एरिया आपके लिए सेफ नहीं है, और वैसे भी यहाँ से वापस जाने के लिए कैब भी नहीं मिलेगा। इट्स ओके भैया, हम लोग मैनेज कर लेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, वैसे भी हमारे पापा आ ही रहे हैं हमें पिक करने, और वो घर से निकल ही गए होंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम मैनेज कर लेंगे। ओके। रुई दीदी, क्या सचमुच पापा आ रहे हैं? अरे नहीं पियो, वो तो मैंने ऐसे ही अंकल को बोल दिया था, वरना वो जाते ही नहीं, और वैसे भी हमें चुपचाप चेक करना है ना। हेलो आयुष, जी सर, कि कैब ने उन्हें नजफगढ़ के किसी गोडाउन में ड्रॉप किया है। शाह, हमारे ड्राइवर ने उन्हें वहीं पर ड्रॉप किया है, और पेमेंट भी हो गई है, हमारा ड्राइवर निकल गया वहां से। ओके थैंक्स। ये दोनों नजफगढ़ में क्या कर रहे हैं? आई जस्ट होप कि दोनों सेफ होंगे, जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना होगा। अच्छा गुड, तुम्हें रूही अब तक घर नहीं पहुंची है, उसे कॉन्टेक्ट भी नहीं हो पा रहा है, तुम्हें कुछ बता के गए, कुछ पता है क्या कहाँ है वो? मैं जानता हूँ, मैं दोनों को पिकअप करने जा रहा हूँ, रूही और पियू दोनों एक साथ। पीहू रूही के साथ है? पीहू रूही के साथ कैसे? कहाँ है वो? वे राधे। रूही दीदी, हमें श्रद्धा आंटी मिल जाएंगी ना? I wish यहाँ पापा भी आ जाए, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। चलो जल्दी चलो चलो। नजफगढ़? वो दोनों अकेले वहाँ पर इस समय? आप पहुँचे कैसे? समय इतनी रात हो गई, दोनों वहाँ अकेले, मुझे बहुत डर लग रहा है। How could this be so careless यार? गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है। अरे पीहू तो बच्ची है, लेकिन रूही को तो कल होनी चाहिए। मैं जा रहा हूँ उन्हें पिक करने, तुम टेंशन मत लो। अब प्लीज, मिलते ही उन्हें डांटना मत। तुम बस किसी भी तरह उन्हें उन्हें घर ले आओ। तुम्हें चाहिए तो मैं वहाँ पर आके उन्हें पिक कर लेती हूँ। नहीं नहीं, डोंट वरी, मैं ले आऊंगा उन्हें। व्हाट? बंदूक की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और वो और बालाजी जो पुलिस स्टेशन में, इसलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किसे बुलाऊं, मुझे नहीं पता था कि इतनी गड़बड़ हो जाएगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं पुलिस बंधु जीते के साथ क्या कर रही होगी, बंधु जीते पे कोई चार्ज ना लगा दे। कुछ नहीं होगा, जस्ट चिल एंड रिलैक्स। आले कैसे रिलैक्स करूं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। शी वाज टॉकिंग टू मी व्हाइल ड्राइविंग। तुम पैनिक मत करो, एक काम करते हैं, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहां चल के पता चलेगा कि क्या हुआ एग्जैक्टली। ऑलराइट, आप मुझ पे चिल्लाने नहीं वाले कि मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हूं? तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ ना? That's the most important thing. चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। बंधु चित्ती, बालक, नहीं पीऊ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक बोरी थी रूई दीदी, उसमें से एक साड़ी का पल्लू निकल रहा था, पर वो बोरी यहाँ है ही नहीं। ये दोनों लड़कियां कौन है और वैन के पास क्या कर रही? तुम पक्का श्योर हो कि तुमने यही वैन में देखा था? 100% रूई दीदी, मैंने वो स्टिकर देखा था शिरडी वाले साईं बाबा का, उस पे लिखा था सबका मालिक एक, और वो पल्लू बिल्कुल हार वाली आंटी,
के सारी जैसे दिखता था। हमें भी एक क्लू मिला है, ये भगवान जी का स्टिकर, यही हमारा क्लू है। और ये वही वैन है रूही दीदी, हार वाली आंटी यही होंगी आसपास। शिट, ये लड़कियां तो उस औरत को ढूंढने आई, बहुत होशियार बच्ची है, पर अब मैं क्या करूं? हाँ पीहू, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि इशिता यहाँ है भी या नहीं? यहाँ आसपास में कोई हमारी मदद करने के लिए भी नहीं है, एंड मुझे ना ये जगह सेफ नहीं लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है। मुझे लगता है मैं पापा को बता देना चाहिए कि हम यहाँ पे हैं। इससे पहले ये जाकर किसी को खबर करें, मुझे बॉस को बताना होगा। हाँ ये ठीक रहेगा। वाला तुमने सारा ब्लेम अपने ऊपर क्यों लिया? तुमने पुलिस स्टेशन में ऐसा क्यों कहा कि तुमसे गाड़ी ठुकी और मुझसे नहीं? वाला, ये सच है? हाँ माँ, बाला ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया और पुलिस को ये नहीं बताया कि गाड़ी मुझसे ढूंढ गई है। मैं ही पागल थी, मुझे ही बोल देना चाहिए था सर। मैं भी तो मैं इतनी घबरा गई थी ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या बताऊँ। बाला, मेरी तरफ देखो, आंखों में देखो, क्या तुम्हें इन आंखों में अपने लिए प्यार नहीं दिखता? आई लव यू वंदु। और ये तुम्हारी गलती, मेरी गलती, ये सब क्या है? हम दोनों तो एक है ना, फिर हमारी गलतियां अलग अलग कैसे हो गई? वंदु, मैं कभी भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं देख सकता, और अगर मैं किसी भी मूवमेंट पे तुम्हारी हेल्प ना कर सकूं तो फिर ऐसे रिश्ते का फायदा ही क्या है? कि जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, मैं भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हूँ। जो कुछ भी कर रही थी मेरे लिए तो कर रही थी। ये सजना संवरना, ये थोड़ा सा स्टाइलिश होना, इसको बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। वो मुझे जलाने की कोशिश कर रही थी, मुझे पता था। मैंने सोचा क्यों ना मजाक मजाक में मैं भी तुम्हारी थोड़ी सी खिंचाई कर दूं। आई एम आल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल। देखा ले, जिसे कहते हैं प्यार, और जहां प्यार होता है ना दिखता है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। वंदु जीती आला सर, I'm really sorry, मैंने जो भी किया उसके लिए। नहीं आला, तुम्हारी कोई गलती नहीं, बल्कि तुम तो कोशिश कर रही थी कि हमारी इस बोरिंग सी मैरिड लाइफ में थोड़ी सी एक्साइटमेंट आ सके। So absolutely fine। तूने ठीक से सुना है ना, वो यही बोल रही थी। हाँ हाँ बॉस, वो अपने बाप को बुलाने की बात कर रही थी। दो बच्चियां हैं, लेकिन अगर उनके बाप ने ना पुलिस को बुला लिया, हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। अरे खतरा बढ़ता ही जा रहा है, मैं तो कहता हूँ कि निकल लेते हैं। अरे ऐसे कैसे निकल सकते हैं, इसे भी तो ठिकाने लगाना होगा। ठीक है, उसका काम तमाम कर देते हैं। ए, ए, नहीं नहीं नहीं, गोली नहीं चलाना है, आवाज आएगी। चुपचाप से इसका काम तमाम करके चुपचाप से निकल लेते हैं। एक काम करते हैं, गोनी को खिड़की से नीचे फेंक देते हैं, वैसे भी उसका मुंह बंद है ना, कोई आवाज भी नहीं आएगी, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। सही कह रहा है, जल्दी से उठाओ और खिड़की के पास लेकर चलो। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। तुम ठीक हो? तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या जरूरत थी इतनी रात को इतनी सुनसान जगह पे आने की, और तुम साथ में पीहू को भी ले आई? ये तुम्हारा कोई नया खेल है तो बंद कर दो इसे। अरे पापा, वो पापा मैं पैसा। आज तुमने सारी हदें पार कर दी, मुझे तुम्हारी एक नहीं सुननी। पापा आप एक बार हमारी बात तो सुनो, रूही दीदी ने हार वाली आंटी के लिए झूठ बोला था। इशिता दीदी के लिए? हाँ पापा, जब मैं त्रिशा के मॉम और डैड के साथ पिकनिक जा रही थी ना, वही वैन है जिसमें एक बोरी थी, उस बोरी के बाहर एक पल्लू निकल रहा था, और वो पल्लू हार वाली आंटी के साड़ी के तरह था। पीहू तुम्हें पक्का यकीन है कि वो यही गाड़ी थी? हाँ पापा, मैंने ठीक से देखा था, मुझे सब याद है। जब साजन का ससुराल में पार्वती का किडनैप हुआ था, तब मैंने ही दादी को क्लू बताया था ना। पीहू बेटा, ये कोई टीवी सीरियल नहीं है, पक्का आप झूठ नहीं बोल रहे, कोई कहानी नहीं बना रहे हो? नहीं पापा, मैं सच बोल रही हूँ। पापा मुझे भी लगता है कि इसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। पीहू उस बोरी में कोई और भी तो हो सकता है ना, किसी और की भी तो साड़ी हो सकती है ना, एंड हो सकता है कि उस बोरी में कपड़े हो। पता कैसे करें? रूही तुमने यहाँ कोई बोरी देखी? पापा नहीं, मैंने उस वैन में भी देख लिया, हर जगह देख लिया, वो तो बोरी कहीं पे भी नहीं है। देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं सुना, हम लोग घर जा रहे हैं। ए, रुको, 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 बॉस का फोन है। हेलो बॉस, मैं कब से आपको फोन कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है,
हाँ आप टेंशन मत लो, काम हो जाएगा, लेकिन इसका पैसा डबल लगेगा। ठीक है ठीक है, आप बस पैसा तैयार रखो। देखो जगह सेफ नहीं है, और वैसे भी तुम दोनों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की, चलो यहाँ से। नहीं पापा, हम हार वाली आंटी को ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं, वो यहीं गई हैं पापा। यू मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो यहाँ से बस। क्या हुआ? हाँ ये तो उसी की, इसका मतलब बीयू ठीक कह रही है, वो यहीं कहीं है। पापा ये ऊपर से गिरी है, इसका मतलब वो ऊपर है। मैं ऊपर जाकर देखता हूँ, तुम नहीं पापा, पापा आप अकेले मत जाओ, हमें भी देखना कि इशिता कैसी है, किस हालत में होगी, मुझे देखना ऊपर। ऊपर कुछ भी हो सकता है, काम करो, ये गाड़ी की चाबी बीयू के साथ तुम गाड़ी में बैठो, गाड़ी अंदर से लॉक करते। नहीं नहीं पापा। रूही कम ऑन, जाओ। चलो गाड़ी अंदर से लॉक करना। पापा इशिता, इशिता तो कोई नहीं, इशिता तो, इशिता ये तो मकड़ी के जाले लगे, यहां तो कोई आ भी नहीं सकता। ये गाड़ी कहां गई? मेरी अंगूठी जानबूझ के नीचे फेंकी ताकि मैं ऊपर आऊं और बोलो इश्ता को लेके फिर गॉड। पापा क्या क्या हुआ? यूं सही कह रही थी, उन्होंने इशिता को किडनैप किया है, उसे जो पल्लू देखा वो इशिता की साड़ी का ही था, इशिता उनके पास है। पर पापा उन्होंने हार वाली आंटी को किडनैप क्यों किया? अगर उन्होंने हार वाली आंटी को कुछ कर दिया, उन्हें कुछ हो गया तो? नहीं का तुम्हारी हार वाली आंटी बहुत स्ट्रांग है, उन्हें कुछ नहीं होगा। हमें घर जाना चाहिए, सब वहां भी बहुत वायरल हो गए। लेकिन ठीक है चलो। शगुन रूही और पीहू कहाँ है? रमन को इतनी देर क्यों लग रही है? शगुन बात क्या है, साफ साफ बोलो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं जाके उन्हें ले आता हूँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं वो बस पहुंचते ही हो गए। शगुन इतनी देर हो गई, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, तुम ऐसा करो रमन भाई को फोन लगाओ, मैं बात करती हूँ। सिमी वो पहुंचते ही होंगे तो। रमन अभी तक नहीं आया, पीहू और रूही उसके साथ है ना? हाँ आंटी, शगुन ने यही बोला कि वो लोग साथ में। डर गई थी, कहाँ चली गई थी बेटा? वो कोई घूमने की जगह है, वक्त देखा है, कितनी रात हो गई है। ये हो क्या रहा है? रमन, शगुन इतने परेशान क्यों है? ये दोनों कहाँ चली गई थी? रोहित, पीहू को अंदर ले जाओ। रमन हुआ क्या है? बोलेगा कुछ? पापा इशिता किडनैप हो गई। किसने किया? रमन तू तो कह रहा था कि इशिता खुद से गायब हुई है, उसका कुछ प्लान है फिर? मुझे भी लगता था उसका कोई प्लान है, लेकिन ये उसका कोई प्लान नहीं है, ना ही रूही को रोकने का कोई नाटक कर रही है वो, इशिता वाकई किडनैप हो गई।
इसका मतलब है कि जिन गुंडों ने भाभी को किडनैप किया वो किसी ये कहने पे ये सब कर रहे हैं, वरना हमें फोन करते, फिरौती के लिए पैसे मांगते, कुछ तो बोलते। ये पक्का किसी ने सोच समझ के कर रहा है, कोई तो कर रहा है। ये कौन हो सकता है, किसने किया होगा? ये निधि, निधि हो ना हो ये सब निधि ने करा है, क्योंकि वो ही नहीं चाहती थी कि रूही इस घर में आए, तो ये सब काम निधि ने किया, मैं बता रही हूँ भाई। हाँ, ये निधि का काम है भाई। प्लीज अभी चल के निधि को पकड़ते हैं, प्लीज। रोमी सही कह रहा है, वी हैव टू गो एंड कन्फ्रंट देम। नहीं मीर, हम जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकते, इशिता उनके पास है। लेकिन भाई हमें कुछ तो करना होगा ना। इशिता को कुछ नहीं होना चाहिए था सिर। हाँ हाँ जीजू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एटलीस्ट पुलिस को तो इन्फॉर्म कर देना चाहिए, और आप पुलिस को ना सारी डिटेल्स दे देना, जहाँ आपको अका की वो रिंग मिली, वो वैन, या जहाँ उन्होंने अका को रखा था। आई एम श्योर कि वो लोग हमारी हेल्प करेंगे। मैं नहीं, मीका देखो, 7 साल पहले हम ये गलती कर चुके हैं, उसका नतीजा आज तक भुगत रहा हूं मैं। अगर निधि को पता चला कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, और अगर उसे इशिता को कुछ कर दिया ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जब तक इशिता उनके पास है, मैं कुछ नहीं कर सकता, हमें अपने तरीके से उसे ढूंढना होगा। और अगर निधि ने इशिता को किडनैप किया है रूही के लिए, तो रूही मांगने आएगी ना, आने दो उसे। लेकिन तब तक ना पुलिस के पास हम जाएंगे, लेकिन अपनी कोशिश हम जारी रखेंगे। दैट्स इट। रमन, मुझे लगता है कि अशोक निधि से मिला हुआ है, हमें अशोक का जरिया इस्तेमाल करना चाहिए, हमें उससे पूछना चाहिए, किसी ना किसी तरह पता लगाना चाहिए। मैं ट्राई कर सकता हूँ। नहीं रोमी, तू गल गया था उसके पास, अब उसका तुझ पे भरोसा उठ चुका है, क्योंकि तू वापस घर आ गया। वो जानता है कि तू इस परिवार का हिस्सा, वो तुझे कुछ नहीं बताएगा। मुझे कुछ करना होगा। I'll have to think of a plan। वहाँ अम्मा इतनी डेंजर में है, और यहाँ ये लोग बातें कर रहे हैं, मुझे मुझे अप्पा को बताना होगा। What? ईशु को किडनैप करवाया है निधि ने? इतना कर सकती है? It's unbelievable। अप्पा just stop, अप्पा stop, stop। अप्पा आप ऐसे निधि के पास नहीं जा सकते, अम्मा को हार्म कर सकती है। हमें हमें ऐसे इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेने चाहिए, कुछ कुछ सोचना होगा। जस्ट वेट। तो फिर और क्या ऑप्शन है हमारे पास? अगर इशू उसके पास है तो हमें उसे कन्फ्रंट करना ही होगा। मैं उसे उसकी असली पोजीशन दिखाकर ही रहूंगा। इशू को तकलीफ देने की हिम्मत कैसे की उसने? अब्बा, अब्बा, वेट। क्या करूं? आदि को कॉल करती हूं। और यादि फोन क्यों उठा रहा? लैंडलाइन में भी नहीं फोन उठा रहा है। Whom should I call? किसको फोन करूं? I think I should call Mihir. हेलो, हाय मिहिर। मिहिर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जो करना तुम कर सकते हो, लेकिन एक बार मेरी बात सुनो। उसके पास है, उस दीदी को मैं छोड़ूंगा नहीं। अभिमन्यु प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम कर लेना। ऑलराइट? लुक अभिमन्यु, तुम्हें क्या लगता है हम सबको इशिता भाभी की चिंता नहीं है? अरे हम सबको चिंता है, सबको फिक्र लगेगी, लेकिन इस वक्त हम दीदी को नहीं कन्फर्म कर रहे, क्योंकि उसके पीछे एक कारण है। अगर तुमने जाके निधि के दरवाजे पे खटखटाया और उससे बात की, तो भाभी की जान खतरे में पड़ जाएगी। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, सिचुएशन बहुत सीरियस है, हमें ठंडे दिमाग से काम डाउन कूल रह के सोचना होगा। अगर कुछ भी हड़बड़ी की तो इश्ता भाभी की जान खतरे में जा सकती है, और गुस्से से काम नहीं लेना। इस गुस्से से हम सब ने बहुत कुछ खोया, इस परिवार ने बहुत कुछ खोया। प्लीज लिसन टू मी। इसी गुस्से के कारण रूही हमसे दूर चली गई, इसी गुस्से के कारण रमन भाई और रिश्ता भाभी का रिश्ता टूट गया। इसलिए प्लीज गुस्से से काम मत लो, आई बेग यू। लेकिन इशू उसके पास है। निधि के ऊपर 24 घंटे निगरानी है, उसकी हर एक मूवमेंट पल पल। वो इसलिए क्योंकि मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया। यस, कल रात से, जब से रिश्ता भाभी गायब हुई है, आई हायर्ड अ प्राइवेट डिटेक्टिव, और इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता, यहां तक रमन भाई को भी नहीं पता। सो प्लीज कीप दिस टू योरसेल्फ। ऑलराइट? Are you sure about this? Honey, trust me. Just trust me, please. हम सबको cool काम रहना है, that's it. इश्ता भाभी की जान का सवाल है। तुम खुद दिमाग लगा के सोचो। जिसने भी इश्ता भाभी को किडनैप किया, उसने किसी रीजन से किया, उसे बदले में कुछ चाहिए, लेकिन अभी तक हमें कोई मांग नहीं आई, और जब तक मांग नहीं आई है, भाभी सेफ है। Do you understand? उनको सेफ रहने दो, तब तक हम भाभी को ढूंढने की कोशिश करें। We are all doing our very best. लेकिन अगर तुमने इस वक्त जाके निधि के सामने कुछ कर दिया, तो भाभी की जान को खतरा हो सकता है, एंड वी डोंट वांट दैट, यू डोंट वांट दैट।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।